दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं इंडिया की दो मोस्ट पॉपुलर बाइक को, जिनमें से भाई पहली बाइक का नाम है KTM RC 200 और दूसरी बाइक का नाम है यमाहा R15 वर्जन 3। तो भाई ये दोनों बाइकें जो है BS6 इंजन के साथ लॉन्च हो चुकी हैं। तो भाई इन दो बाइक का तो कंपेरिजन बनता ही है कि भाई ये दोनों बाइकें जो है इंडिया की मोस्ट पॉपुलर बाइक में से एक जानी जाती है। भाई इन दोनों बाइक के जो है बहुत से चाहने वाले हैं। भाई अगर KTM के चाहने वाले बहुत हैं तो यमाहा R15 वर्जन 3 के भी बहुत से चाहने वाले हैं। तो भाई काफ़ी लोग हैं जो यमाहा को परचेस करने को सोच रहे हैं, काफ़ी लोग हैं जो KTM को परचेस करने को सोच रहे होंगे। भाई बताना कि कितने लोग हैं जो KTM RC को परचेस करने को सोच रहे हैं और कितने लोग हैं जो V3 को परचेस करने को सोच रहे हैं। तो भाई वो मुझे एक बार कमेंट करके बता दे भाई कितने लोग हैं जो इन दोनों में से किसी एक बाइक को परचेस करने वाले हैं। और हाँ भाई, जिन लोगों को KTM RC 200 BS6 और यमाहा R15 वर्जन 3 BS6 की अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो भाई मैंने वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर आप इन दोनों बाइक की पूरी जानकारी पा सकते हैं डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बाइक के कंपैरिजन को। दोस्तों यमाहा R15 वर्जन 3 BS6 में आपको जो है 155 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड BS6 इंजन मिल जाता है। तो बात कर लेते हैं बाइक की पावर फिगर के बारे में। दोस्तों यमाहा R15 वर्जन 3 BS6 में आपको जो है 18.6 BHP की मैक्सिमम पावर देखने को मिल जाती है और आपको इस बाइक में 14.1 Nm का टॉर्क मिल जाता है। साथ में आपको इस बाइक में सिंगल सिलेंडर 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, जिससे कि भाई आपको इस बाइक में काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। भाई इस बाइक की टॉप स्पीड भी बहुत अच्छी है। बात कर लेते हैं KTM RC 200 के इंजन के स्पेक्स के बारे में। दोस्तों KTM RC 200 में आपको जो है 199 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड BS6 इंजन मिल जाता है। तो बात कर लेते हैं बाइक की पावर फिगर के बारे में। दोस्तों KTM RC में आपको जो है 25 BHP की मैक्सिमम पावर मिल जाती है और आपको इस बाइक में 19 Nm का टॉर्क मिल जाता है। साथ में आपको इस बाइक में सिंगल सिलेंडर 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है। तो भाई आपको KTM RC में आपको थोड़ी कम टॉप स्पीड मिलती है, लेकिन आपको यमाहा R15 वर्जन 3 में आपको काफ़ी अच्छी टॉप स्पीड मिल जाती है। भाई आपको KTM RC में आपको ज़्यादा पावर देखने को मिलेगी, इसकी CC तो हायर है लेकिन आपको इसमें टॉप स्पीड थोड़ी सी कम मिलती है। लेकिन आपको यमाहा R15 वर्जन 3 में आपको जो है पावर कम मिल रही है, CC कम मिली, लेकिन उसमें आपको टॉप स्पीड बहुत ज़्यादा मिल रही है। भाई काफ़ी लोगों ने तो भाई वीडियो भी डाला है जिनकी V3 जो है 150 की स्पीड को क्रॉस कर रही है। तो भाई मेरे हिसाब से जो है इंजन के मामले में V3 बहुत अच्छी बाइक है, इसमें आपको काफ़ी अच्छी टॉप स्पीड मिल जा रही है। हाँ इसमें आपको पावर कम मिलती है लेकिन आपको टॉप स्पीड बहुत अच्छी मिल जाती है। लेकिन भाई KTM में आपको टॉप स्पीड अच्छी नहीं मिलती है, लेकिन आपको उसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस और काफ़ी अच्छी पावर मिल जाती है। टॉप स्पीड थोड़ी डाउन है लेकिन वो बाइक भी अच्छी है और KTM भी और यमाहा R15 भी बहुत अच्छी है। तो बात कर लेते हैं बाइक की माइलेज के बारे में। दोस्तों KTM RC में आपको और यमाहा R15 में आपको जो है 40 km तक की माइलेज देखने को मिल जाती है। भाई आपको इन दोनों बाइकों में सेम माइलेज मिल जाती है, लेकिन आपको इंजन की पावर में अंतर देखने को मिल जाता है, आपको CC में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको टॉप स्पीड बहुत अच्छी मिल जाती है यमाहा R15 वर्जन 3 BS6 में। भाई मैं किसी भी बाइक की बुराई नहीं कर रहा हूँ, भाई ये सिर्फ एक कंपैरिजन है और भाई मैं वैसे भी जो बोल रहा हूँ वो सच ही तो बोल रहा हूँ। टॉप स्पीड आपको सच में V3 में बहुत अच्छी मिल जाती है, KTM में भी आपको लगभग 135 तक की टॉप स्पीड मिल जाती है, लेकिन आपको V3 में भी 150 प्लस टॉप स्पीड मिल जाती है। तो बात कर लेते हैं बाइक के ब्रेक्स एंड टायर्स के बारे में। दोस्तों KTM RC 200 में आपको जो है फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क मिल जाती है। भाई साथ में आपको इस बाइक में ABS भी मिल जाता है। तो बात कर लेते हैं बाइक के ब्रेक के साइज के बारे में। दोस्तों KTM RC में आपको फ्रंट में 300 mm की डिस्क मिल जाती है और आपको रियर में 230 mm की डिस्क मिल जाती है। बात कर लेते हैं यमाहा R15 वर्जन 3 के ब्रेक्स के बारे में। दोस्तों यमाहा R15 वर्जन 3 में आपको जो है फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क मिल जाती है। भाई आपको इस बाइक में भी ड्यूअल चैनल ABS मिल जाता है। तो बात कर लेते हैं बाइक के ब्रेक के साइज के बारे में। दोस्तों यमाहा R15 वर्जन 3 में आपको जो है फ्रंट में 282 mm की डिस्क मिल जाती है, जो कि KTM RC से बहुत ही ज़्यादा छोटी है। और दोस्तों आपको इस बाइक के रियर में 220 mm की डिस्क मिल जाती है, जो कि KTM RC से जो है 10 mm छोटी है। तो भाई यमाहा R15 में आपको थोड़ी छोटी डिस्क मिल जाती है, लेकिन भाई आपको इसमें काफ़ी अच्छी टॉप स्पीड मिलती है, लेकिन आपको ब्रेकिंग शायद इसमें अच्छी ना मिले। KTM में आपको काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग मिलती है, उसमें आपको काफ़ी बड़ी डिस्क मिल जाती है, लेकिन भाई यमाहा की V3 में आपको लगता है कि आपको अच्छी ब्रेकिंग नहीं मिलती होगी, क्योंकि आपको इसमें काफ़ी छोटी डिस्क ब्रेक मिल जाती है। तो बात कर लेते हैं बाइक के टायर्स के बारे में। दोस्तों यमाहा R15 वर्जन 3 BS6 में आपको जो है फ्रंट में 100 mm के टायर देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत पतले हैं। तो बात कर लेते हैं KTM RC 200 के टायर के साइज के बारे में। दोस्तों KTM RC में आपको फ्रंट में 110 mm के टायर मिल जाते हैं, जो कि भाई यमाहा R15 से थोड़े मोटे हैं। तो भाई यमाहा R15 वर्जन 3 में आपको काफ़ी अच्छी टॉप स्पीड मिलती है, लेकिन आपको इसमें ब्रेकिंग और टायर में थोड़ी सी कंजूसी मिल जा रही है।
इसमें भाई आपको थोड़े पतले टायर देखने को मिल रहे हैं। भाई जितने ज़्यादा चौड़े टायर रहेंगे आपको उतनी अच्छी रोड पे ग्रिप मिलेगी, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। लेकिन आपको यमहा रन फाइव में 12 स्पीड काफ़ी अच्छी मिलती है, लेकिन आपको इसमें टायर भी काफ़ी पतला मिल जाता है। तो बात कर लेते हैं बाइक के रियर वाले टायर साइज के बारे में। दोस्तों KTM RC 200 में आपको रियर में 150 mm के टायर मिल जाते हैं, और वहीं आपको V3 में जो है आपको 140 mm के टायर मिल जाते हैं। तो भाई आपको V3 में जो है आपको फ्रंट और रियर दोनों टायर पतले मिल जाएंगे, लेकिन आपको KTM RC में आपको जो है काफ़ी चौड़े टायर मिल जाते हैं। तो भाई मेरे हिसाब से जो है ब्रेकिंग और टायर के मामले में KTM RC 200 काफ़ी अच्छी है, लेकिन V3 में आपको काफ़ी पतले और काफ़ी छोटी डिस्क मिल जाती है भाई, जिससे कि कहीं ना कहीं इस बाइक का जो बैलेंस है वो उतना अच्छा नहीं बन पाता होगा जितना अच्छा KTM RC का बन जाता है। तो भाई इस हिसाब से इसमें जो आपको टॉप स्पीड मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस रहती होगी, क्योंकि भाई आपको इसमें ब्रेकिंग अच्छी नहीं मिल रही है, तो आपको इसमें जो है टायर भी पतला मिल जा रहा है। लेकिन भाई आपको KTM में आपको जो है काफ़ी बड़ी डिस्क मिल रही है, काफ़ी चौड़े टायर मिल जा रहे हैं। तो भाई मेरे हिसाब से ब्रेक्स एंड टायर्स के मामले में जो है KTM RC 200 बहुत ही अच्छी बाइक है। तो बात कर लेते हैं बाइक के सस्पेंशन के बारे में। दोस्तों KTM RC 200 में आपको जो है फ्रंट में अपसाइड डाउन के फोर्क्स मिल जाते हैं, जिससे कि इस बाइक का लुक काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन भाई आपको यमहा आर 5 वर्जन 3 में आपको जो है फ्रंट में टेलीस्कोपिक के फोर्क मिल जाते हैं, आपको इस बाइक में अपसाइड डाउन का ऑप्शन नहीं मिलता है। लेकिन भाई इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि अपसाइड डाउन है या फिर टेलीस्कोपिक, भाई दोनों ही अच्छे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको लुक में अंतर देखने को मिल जाएगा, तो आपको लुक में जो है काफ़ी अच्छी लगेगी KTM RC ही। और दोस्तों आपको इन दोनों ही बाइक में आपको जो है रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर देखने को मिल जाते हैं, आपको रियर में कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलने वाला है। और भाई आपको इन दोनों बाइक में ही जो है आपको जो है एल्यूमिनियम के स्विंग आर्म मिल जाते हैं, जिससे कि जो बाइक का लुक है वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगता है। लोहे के स्विंग आर्म उतने अच्छे नहीं लगते जितने अच्छे एल्यूमिनियम के स्विंग आर्म लगते हैं। तो भाई आपको इन दोनों बाइक में आपको जो है रियर में मोनोशॉक मिल जाते हैं, और आपको इन दोनों बाइक में ही एल्यूमिनियम के स्विंग आर्म मिल जाते हैं। और दोस्तों अगर बात की जाए बाइक के सीट के बारे में, दोस्तों आपको इन दोनों बाइक में आपको जो है स्प्लिट सीट देखने को मिल जाती है, जिससे कि भाई इन दोनों बाइक का लुक काफ़ी अच्छा लगता है। और दोस्तों अगर आपको इन दोनों बाइक से जो है लॉन्ग राइडिंग करना हो, तो भाई ये बाइक लॉन्ग राइडिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस बाइक से जो है हाथ में और कंधे में आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। भाई ये बाइक सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए है, ना कि ये बाइक राइडिंग के लिए है। अगर आप इसे चलाएंगे नॉर्मली यूज़ के लिए भाई तो ये ठीक है, नहीं तो आप जान ही रहे हैं क्या दर्द करेगा आपका। तो बात कर लेते हैं बाइक के मीटर कंसोल के बारे में। दोस्तों आपको इन दोनों बाइकों में आपको जो है फुल डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो बात कर लेते हैं KTM RC में आपको कौन कौन से फीचर देखने को मिलते हैं। भाई तो आपको KTM RC में आपको जो है फुल डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, लेकिन भाई आपको इस बाइक का जो मीटर कंसोल है वो आपको काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड लगता होगा, जो कि बहुत ही टाइम से चलता चला आ रहा है। तो बात कर लेते हैं फीचर दोस्तों, आपको KTM RC में आपको जो है स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, क्लॉक, आपको ये सारे फीचर्स मिलते हैं। साथ में आपको इस बाइक में क्लॉक मिल जाता है, ABS लाइट मिल जाती है, फ्यूल गेज, और आपको इसमें गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी मिल जाता है। तो भाई आपको KTM RC में आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, जिससे कि भाई आपको इसमें फीचर की कोई भी कमी मालूम नहीं पड़ने वाली है। बात कर लेते हैं यमहा आर 5 वर्जन 3 के मीटर कंसोल के बारे में। दोस्तों आपको यमहा आर 5 में आपको जो है फुल डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो बात कर लेते हैं बाइक के फीचर्स के बारे में। दोस्तों आपको इस बाइक में आपको जो है स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज और गियर इंडिकेटर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, आपको भाई ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि भाई आपको KTM RC में भी मिल जाते हैं। तो भाई आपको इन दोनों बाइक में काफ़ी अच्छे मीटर कंसोल और काफ़ी अच्छे मीटर कंसोल में फीचर्स मिल जाते हैं, आपको इन दोनों बाइक के मीटर कंसोल के फीचर में कोई भी कमी नहीं मिलने वाली है। दोस्तों यमहा आर 5 वर्जन 3 में आपको जो है साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच का फीचर भी देखने को मिल जाता है, जो कि भाई एक बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी फीचर होता है, जो कि मेरे ख्याल से हर एक बाइक में आना चाहिए साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच। तो बात कर लेते हैं बाइक की लाइटिंग के बारे में। दोस्तों KTM RC 200 में आपको जो है LED के हेडलैम्प देखने को नहीं मिलते हैं। भाई आपको इस बाइक में हैलोजन के प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं, जो कि भाई इस बाइक की बहुत बड़ी कमी है अब। लेकिन भाई BS6 वर्जन में आपको जो है इसमें LED के हेडलैम्प देखने को मिल जाने थे, लेकिन फिर भी भाई KTM ने इसमें LED के हेडलैम्प नहीं लाए हैं, जो कि इस बाइक की बहुत बड़ी कमी बनने वाला है। और दोस्तों वहीं आपको यमहा आर 5 वर्जन 3 में आपको जो है LED के हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि भाई उस बाइक का लुक काफ़ी अच्छा लगता है, उसका जो लुक है बिल्कुल ही नया सा हो चुका है। तो भाई कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से KTM RC की लाइट उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी यमहा आर 5 वर्जन 3 की लाइट है।
दोस्तों आपको इन दोनों बाइक के टेल लाइट में आपको जो है एलईडी के टेल लैंप देखने को मिल जाते हैं। आपको टेल लैंप में एलईडी के ही मिलने वाले हैं, लेकिन आपको हेडलाइट में अंतर मिल जाएंगे। और दोस्तों आपको इन दोनों बाइक में आपको जो है 12 वोल्ट 4 एएच की बैटरी मिल जाती है, जिससे कि भाई आपको इन दोनों बाइक में बार बार सेल्फ मारने से कोई दिक्कत ना हो। अगर बैटरी कम एएच की रहेगी तो आपको सेल्फ मारने का कम से कम चांस मिलेगा, लेकिन भाई आपको इसमें 4 एएच की बैटरी मिल जाती है, जिससे कि आपको काफी बार सेल्फ मारने का मौका मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं बाइक के प्राइस के बारे में। दोस्तों KTM RC 200 BS6 जो है वो आपको एक्स शोरूम मिलेगी 1,96,000 रुपए की। तो भाई इसका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा हाई है। और वहीं आपको यमहा R15 वर्जन 3 BS6 जो है वो आपको एक्स शोरूम मिलेगी 1,46,000 रुपए की। तो भाई मेरे हिसाब से जो है यमहा R15 को लेना ज्यादा ठीक है। इसमें आपको काफी अच्छी टॉप स्पीड मिल जाती है और भाई इस बाइक का लुक भी बहुत अच्छा है और आपको इसमें काफ़ी कम प्राइस में काफ़ी अच्छी बाइक मिल जा रही है। लेकिन भाई KTM के चाहने वाले सिर्फ KTM को ही लेने वाले हैं, क्योंकि भाई लोग KTM के नाम पर ही KTM को लेते हैं। बाकी का भाई आपको उसमें कुछ भी नहीं मिलता है, आपको सिर्फ उसमें जो है KTM का नाम मिलता है, बाकी का आपको उसमें कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन आपको V3 में आपको जो है काफ़ी अच्छी टॉप स्पीड मिल जाती है, आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी माइलेज मिल जाती है, भाई आपको इसमें भी काफ़ी अच्छा लुक मिल जाता है। तो भाई जो लोग KTM को चाहने वाले हैं वो KTM को ही परचेस करेंगे, हम उनको कैमरा भी समझा लें वो KTM को ही परचेस करेंगे। तो भाई मेरे हिसाब से जो है यमहा R15 को लेना ही वैल्यू फॉर मनी होगा। तो भाई कितने लोग हैं जो KTM को परचेस करने को सोच रहे हैं, वो एक बार जरूर सोच लें कि वो कौन सी बाइक को लेने जा रहे हैं। भाई उसमें आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है पैसा। और हाँ भाई, जिन लोगों को KTM RC 200 और यमहा R15 वर्जन 3 की पूरी जानकारी चाहिए, तो भाई मैंने वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाकर आप इन दोनों बाइक की पूरी जानकारी पा सकते हैं डिटेल में। तो भाई उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया, तो भाई वीडियो को भी लाइक कर दिया करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।